खबर कोंडा गांव के हाड़ी गांव की, जहां पर बलारी नाला के पास हुए सड़क हादसे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के बाद से फरार ड्राइवर को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक चलाने के दौरान ड्राइवर नशे में था और शव वाहन को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं घटना में शव वाहन चालक उदित नारायण साहू गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान एक नवजात की मौत हो गई थी, जिसके शव को परिजन घर ला रहे थे और उसी समय ट्रक ने शव वाहन को टक्कर मार दी थी। उदित नारायण साहू करके एक एक्सीडेंट कल शाम को 6 बजे के करीब आया था, जिसके मतलब फ्रैक्चर था और साथ में पेशेंट हॉल में नहीं था, तो उसके हालत को देखते हुए उसको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जगदलपुर रेफर कर दिया। अपराध धारा 287, 337, 338, 304 दो भारतीय दंड विधान एवं 185 MB एक्ट के तहत जो है उसे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय कोंडागांव पेश किया गया है।